तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे और मेरे साथ साथ मेरी ये कैटल भी मजे के अंदर है, क्योंकि ये है एक फोर्डेबल कैटल। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं या आपके पास बैग के अंदर स्पेस कम है, आप इतनी बड़ी कैटल को साथ नहीं लेके जाना चाहते और सर्दी का टाइम वैसे गर्म पानी करना चाहें या चाय गर्म करना चाहें, दूध गर्म करना चाहें, कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजों का इलाज मैं आज आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूं। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ऑफलाइन मार्केट से 330 रुपए का ये मैंने परचेज करा है चांदनी चौक से। अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लेना, मिल जाएगी। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स के साथ साथ इसके ऊपर ट्रायल लेके देखते हैं, इसके अंदर पानी डाल के क्या ये गर्म करती है या नहीं करती। तो उसके लिए क्या करना होगा, वीडियो को शुरू करना होगा। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई मेरे पास कुछ इस टाइप की ये कैटल है, जैसे कि देख रहे हैं ना, ट्रेवलिंग कैटल। इसके अंदर क्या करना होगा, यहाँ से सबसे पहले हमें इसे अनबॉक्स कर लेना है इस तरह से। अगर इसको हम अनबॉक्स करते हैं तो इसके साथ में हमें एक इस टाइप की केबल निकलती है। केबल के साथ साथ इस तरीके से इसके अंदर एक कैटल निकलती है। कैटल के साथ साथ इसके अंदर एक जहर निकलता है और जहर के साथ साथ इसके अंदर एक यूज़र गाइड निकलती है कि इसको किस तरह से हम यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए इन सबको तो हम कर देते हैं एक तरफ। अब हमारे पास आती है मेन कैटल। आप देख रहे होंगे कि यार इतनी सी कैटल है, एक कप पानी आएगा तो भाई एक नहीं, इसको जब बड़ा करेंगे तो पूरा 600 ग्राम आएगा। तो 600 ग्राम आने के साथ साथ इसको यूज़ कैसे करने वाले, तो उसके लिए मेरे पास ये वायर है। वायर को लेंगे हम यहाँ और इसको कर देंगे पीछे से इंसर्ट इस तरह से। और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसके अंदर एक ऑन एंड ऑफ स्विच दिया गया है। ये रहा ऑन और ऑफ स्विच। यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये रहा, यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसके अंदर पानी डालते हैं, टेस्ट करके देखते हैं पानी उबल खोलता है या नहीं खोल पाता है, वो देखेंगे। तो भाई चलिए इसको फटाफट से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा जो पानी है, भाई लोकल पानी यूज़ नहीं करता मैं, बिस्लरी का यूज़ कर रहा हूँ। आपके सामने मैंने नलपे से भरा था। तो भाई इसके अंदर मैंने अभी गर्म करने के हिसाब से थोड़ा सा पानी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालने के बाद यहाँ से इसके अंदर स्विच है, देखो स्विच ऑन करते इसके अंदर रेड कलर की लाइट आ गई है। चलिए थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आए गर्म हो पाता है या नहीं हो पाता। अभी इसके अंदर देखो हाथ डाल के मैं देखता हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। थोड़ा नीचे करके देखता हूँ तो देखो भाई कुछ भी नहीं है। अभी पानी के अंदर मैं हाथ डाल पा रहा हूँ। ओ यार, मगर अभी से ये मेरे को गर्म गर्म लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, मगर इतना नहीं लग रहा, हल्का हल्का अभी भी लग रहा है। तो कुछ देर बाद देखते हैं। तो भाई भाप आना तो इसके अंदर स्टार्ट हो गया। ये रहा आप ही के सामने, मैं इसको बंद करता हूँ, इधर से ज़्यादा दिखेगा। अबे दिखना कहाँ से देखूँ, तो मुझे भी नहीं दिख रहा भाई, ऐसे नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, यही खोलते हैं। देखो भाई भाप देखना ध्यान से, ये देखो भाप आना तो इसके अंदर स्टार्ट हो गई है। पानी उबलता या नहीं उबलता मेन तो वो ये देखने वाला है इसके अंदर। अभी देख रहे हो ना कैसा हो गया, ये भाप इसके अंदर आ गई है। तो चलिए देखते हैं एक बार ये पानी उबलता या नहीं उबलता, उबलने का मतलब खोल पाता या नहीं खोल पाता, वो देखेंगे। थोड़ी देर रख देते हैं। तो भाई देखो पानी उबलने वाली बात है ना, पानी हमारा उबल रहा है, बॉल ले रहा है। मतलब इस पानी पे जितना टेम्परेचर पे ये पानी उबलता है, मैं आपको बता देता हूँ, 100-110 के आसपास ये पानी देख लो उबलता है हमारा। आपको ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो पानी भाई बहुत अच्छे से उबल रहा है इसके अंदर। तो भाई इसके अंदर देखा आपने, ये ऑटो कट अपने आप हो चुकी है। इधर लाइट देखो, लाइट हमारी बंद हो चुकी है। तो इसके अंदर उबाले वाली बात है ना, इसके अंदर उबाला आ गया था। उबाल आने के बाद ये अपने आप ऑटो कट हो गया। मतलब अगर सेफ्टी के मामले में अगर इसको देखा जाए तो ये ऑटो कट हो जाती है। और इस तरह की ये कैटल है, ये रही। अब इसको आप यूज़ में ले सकते हैं पानी को। ओ भाई, मगर इसके अंदर एक चीज़ तो मेरे को गलत लग रही है। ये अगर आपने नोटिस नहीं करा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा कम पानी था, मगर जैसे ही मैं इसको ये टेढ़ी कर रहा हूँ तो ये नहीं सही है। नहीं भाई सही है, मुझे लग रहा था ये शायद मुड़ जाएगी इस तरीके से, मगर ये मुड़ी नहीं, इसने पूरा का पूरा पानी का वेट संभाल रखा है। ये रहा, नो भाई भाई केटल वाली बात है, केटल जबरदस्त लगी। अगर आप भी परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो फटाफट से इसको परचेस कर लीजिए, क्योंकि अगर सर्दी चली जाएगी तो आपके पैसे खराब हो जाएंगे। चाय बनाइए, दूध गर्म कीजिए या पानी उबालकर गर्म करके पीजिए, जो हमारे फेफड़ों के लिए भी हानिकारक नहीं रहता, फायदेमंद रहता है। और मैं पानी यूज़ करता हूँ भाई बिस्लरी का, वो भी अपने वाले नल से भर के। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लीजिए। आने वाले टाइम में इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो आपके लिए रखी हुई है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।